तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 7x15 में कैसे एक स्टेयरकेस बनाया जा सकता है जिसका बिल्डिंग का हेड होगा 12 फीट। दोस्तों 12 फीट में कैसे बनाया जा सकता है, इसका राइजर कितना आएगा, ट्रेड कितना बनेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि इसी तरह का नया नया वीडियो आपके पास पहला आता रहेगा। दोस्तों ये 7x15 का एरिया है, इसमें एक लेटरिन बाथरूम भी हो सकता है। दोस्तों किस तरह से बनेगा वीडियो को एंड तक देखिए। फ्लोर से लेके स्लैब तक 12 फीट है, तो 12 को 12 इंच से गुना करेंगे, जो कि 1 फीट का मतलब 12 इंच, तो 12 में गुना करने से 144 इंच हो रहा है। तो 144 इंच को हम क्या करेंगे, इसका जो राइजर लेंगे दोस्तों, इसका राइजर जो लेंगे वो 6 इंची लेंगे, तो 6 इंची लेने से 24 राइजर हो रहा है। दोस्तों 24 राइजर हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक मिडिल में लैंडिंग देंगे जो कि इस तरह से ये जाएगा। और आपने बहुत सारे ऐसे स्टेयरकेस तो देखा होगा, इस तरह से यहाँ पे लैंडिंग होगा और ये फिर ऊपर साइड जाएगा, यहाँ पे ये स्लैब में आएगा, तो इधर एक लैंडिंग जाएगा। एक एक स्टेप तो 6 फीट तक जाएगा, ठीक है, तो 6 फीट तक जाएगा ये। और इसमें एक साइड का जो है 15 फीट, तो 15 फीट को हम कैलकुलेट करेंगे एक साइड का, और दूसरे साइड सेम बराबर आ जाएगा ये जो स्टेप है। तो देखिए 15 फीट को 12 में गुना करने से 180 इंच हो रहा है, तो 180 इंच को हम क्या करेंगे, इसका जो लैंडिंग देंगे वो 4 फीट देंगे, 4 फीट को 12 × 4 = 48, तो 48 इंच हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 48 इंच माइनस करने से ये 132 इंच हो रहा है, तो 132 इंच को हम क्या करेंगे, 12 में भाग करेंगे, जो कि इसका जो ट्रेड लेंगे हम 12 इंच लेंगे, तो 12 में भाग करने से 11 ट्रेड बन रहा है। दोस्तों ये 11 ट्रेड बन रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको मिल गया है 24 राइजर और 11 ट्रेड एक साइड का, और दूसरे साइड का भी 11 ट्रेड, तो टोटल हमको 22 ट्रेड बन रहा है। तो दोस्तों ये एक लैंडिंग है, और राइजर को जो राइजर की जो साइज है वो 6 इंची है, और ट्रेड की जो साइज है वो 12 इंची है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 फीट × 7 फीट का ये लैंडिंग का एरिया है जो प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया स्पेस मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे लेटरिन बाथरूम इजीली बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है। दोस्तों आपका एरिया अगर 7x15 का जो भीतर एरिया आप रखेंगे, तो इस तरह का लेटरिन बाथरूम आप बना सकते हैं। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।